पाकिस्तानी सितारों और उनकी कमाल अदाकारी के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी इंडस्ट्री के छोटे नन्हे सितारों की बात करेंगे, जिनकी अदाकारी बड़े बड़े सितारों को पीछे छोड़ देती है। आइए इन नन्हे सितारों के बारे में मजीद जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। नंबर वन, आयत आरिफ। छोटी सी मासूम सी दिखने वाली आयत आरिफ पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा और सिंगर हैं। आयत आरिफ ने अपनी आवाज और मासूमियत से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इनको नातें, नज़में और कलाम पढ़ने का बहुत शौक है। इनका हर इवेंट जैसा कि बकराईद छोटी, 14 अगस्त और कश्मीर डे पर एक सुपरहिट ट्रैक जरूर आता है। इनका पहला सुपरहिट ड्रामा दीवानगी था, जिसमें इन्होंने अदाकारी करके अपना नाम बनाया। इसके बाद ये आजकल हमें ड्रामा सीरियल फतूर में भी नजर आ रही हैं। नंबर टू, राज मोहम्मद जफर। राज मोहम्मद जफर पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा निगल जफर के बेटे हैं। राज मोहम्मद जफर ने अपने शोबिज कैरियर का आगाज हाल ही में ड्रामा सीरियल उलास से किया है। ये इनका पहला ड्रामा है। इस ड्रामे में इनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया जा रहा है। नंबर थ्री, अरहम भट्ट। छोटे से मासूम से और खूबसूरत दिखने वाले इस चाइल्ड स्टार अरहम भट्ट ने अपने शोबिज कैरियर का आगाज टीवी कमर्शियल से किया है। इनका पहला ड्रामा सीरियल भेद था। इसके बाद ये आजकल हमें ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल उलाद में इब्राहिम का किरदार बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ये कई ब्रांड्स के साथ फोटोशूट भी करवाते हुए नजर आते हैं। ये बहुत ही हैंडसम और क्यूट चाइल्ड स्टार भी हैं। नंबर फोर, समी खान। समी खान ने अपने कैरियर का आगाज रमजान के हिट ड्रामे सुनो चंदा से किया। सुनो चंदा की मकबूलियत के बाद सुनो चंदा टू भी बना। समी खान अपनी बेहतरीन अदाकारी के बायस हम अवार्ड में बेहतरीन चाइल्ड स्टार का अवार्ड भी ले चुके हैं। हाल ही में खत्म होने वाला ड्रामा सीरियल मुश्क में ये अपनी अदाकारी के जौहर दिखाते हुए नजर आ रहे थे। नंबर फाइव, अनोशे रानिया खान। अनोशे रानिया पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की एक खूबसूरत और टैलेंटेड चाइल्ड स्टार हैं। इन्होंने अपने शोबिज कैरियर का आगाज हिट ड्रामे लोग क्या कहेंगे से किया है और इसके बाद ब्लॉकबस्टर हॉरर ड्रामा छलावा में भी नजर आईं। ये दोनों ड्रामे इनकी मकबूलियत की वजह बने। इन्होंने शानदार अदाकारी से मदाहों के दिल जीत लिए हैं। नंबर सिक्स, अहमद उस्मान। अहमद उस्मान पाकिस्तानी इंडस्ट्री का एक अमर्जिंग टैलेंट है। इन्होंने बहुत सारे कमर्शियल्स और ड्रामों में भी काम किया है। ये इस वक्त ड्रामा सीरियल नंद और ख्वाब नगर की शहजादी में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर सेवन, अजहान अहमद भट्टी। अजहान अहमद भट्टी शोबिज इंडस्ट्री का एक नया सितारा है। इन्होंने हाल ही में ड्रामा सीरियल लोग क्या कहेंगे से अपने शोबिज कैरियर का आगाज किया है। इनकी मासूमियत की वजह से इन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। नंबर एट, ईमान अहमद। छोटी सी मासूम सी दिखने वाली ईमान अहमद पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की मशहूर चाइल्ड स्टार हैं। इनके बोलने का स्टाइल बहुत ही प्यारा है और लोगों को बहुत पसंद भी आता है। ईमान अहमद ने रूठी रूठी जिंदगी से अपने शोबिज कैरियर का आगाज किया और अब ये ड्रामा सीरियल डंक में बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाती हुई नजर आ रही है, जहाँ इनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया जा रहा है। ये पाकिस्तानी मशहूर चाइल्ड स्टार हानिया अहमद की छोटी बहन भी हैं। नंबर नाइन, सईदा हुरैन मोइन। सईदा हुरैन भी एक मशहूर और खूबसूरत पाकिस्तानी चाइल्ड स्टार और मॉडल हैं। इन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही शोबिज इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। वो 17 सीरियल्स में नमूदार हुई। इनका सबसे ज्यादा मशहूर ड्रामा बंदिश था और ये अभी हाल ही में ड्रामा सीरियल मुश्क में भी नजर आई। नंबर टेन, रुबाब रशीद। छोटी सी मासूम सी दिखने वाली ये चाइल्ड स्टार अदाकारा बहुत ही क्यूट हैं और इनका बोलने का अंदाज इनकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करता है। इनका पहला ड्रामा इंतहा था। इसके बाद आजकल ये ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पे यकीन है और उलाद में भी अपनी शानदार अदाकारी से मदाहों को हैरान कर रही हैं।
नंबर 11 खुशी माहीन, जो कि पाकिस्तानी मशहूर चाइल्ड स्टार फलक शहजाद की बहन है। खुशी माहीन पाकिस्तान की क्यूट और टैलेंटेड चाइल्ड स्टार भी हैं, जिन्होंने खानी जैसे मशहूर ड्रामे में काम करके अपना नाम बनाया। इसके बाद इन्होंने माँ सदके में भी काम किया और ये आजकल ड्रामा सीरियल पहली सी मोहब्बत में काम करते हुए नजर आ रही हैं। नंबर 12 हानिया अहमद, मशहूर चाइल्ड स्टार ईमान अहमद की बड़ी बहन। हानिया अहमद भी एक मशहूर चाइल्ड स्टार और फिल्म अदाकार हैं। हानिया अहमद बहुत छोटी सी उम्र से ही टीवी कमर्शियल्स और ब्रांड्स के साथ काम कर रही हैं। हानिया अहमद ने एक और सितम से अपने कैरियर का आगाज किया। इन्होंने कई ड्रामों में काम करके अपना नाम बनाया। ये इस वक्त ड्रामा सीरियल लोग क्या कहेंगे और मोहब्बतें चाहते में अपनी बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाती हुई नजर आ रही हैं। नंबर 13 अब्दुल मुकीत। अब्दुल मुकीत ने अपने कैरियर का आगाज ड्रामा सीरियल एक और सितम से किया। इस ड्रामे में अदाकारी करके इंडस्ट्री में इन्होंने अपनी जगह बना ली। इसके बाद ड्रामा सीरियल बेवफा में भी नजर आए और आजकल ड्रामा सीरियल मोहब्बतें चाहते में अदाकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी मासूमियत की वजह से इन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। नंबर 14 फलक शहजाद। फलक शहजाद पाकिस्तान का एक अमर्जिंग टैलेंट है। ये मशहूर चाइल्ड स्टार और फिल्म अदाकार भी हैं। इन्होंने ड्रामा सीरियल एहसास से अपने कैरियर का आगाज किया और हाल ही में खत्म होने वाला ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुझे अलविदा में भी अपनी शानदार अदाकारी के जौहर दिखाते नजर आए। इस ड्रामे में इनकी अदाकारी की सलाहियतों को बेहद सराहा गया। आजकल जियो टीवी पर नशर होने वाला ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पे यकीन है में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाते नजर आ रहे हैं। तो आपकी इन नन्हे सितारों की अदाकारी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।